अभी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या दिया है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। क्या दिया? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन गिवन बिलो। अभी यहां पे क्या दिया ग्राफ? x प्लस y इक्वल टू 2। x प्लस y इक्वल टू 2, करेक्ट। अभी x प्लस y इक्वल टू 2 दिए हैं, तो यहां पे क्या करना है ध्यान से सुनो, क्योंकि वापस मैंने क्या बोला, ये सेम क्वेश्चंस 9th, 10th में भी हैं, 10th में भी सेम मेथड से सॉल्व करना, अलग कुछ भी नहीं। तो अभी से यदि समझ में आ गया ना, तो समझो कि 10th का प्रिपेयर हो गया। अभी से यदि समझ में आ गया तो समझो 10th का प्रिपेयर हो गया, करेक्ट। 10th का प्रिपेयर हो गया, तब इसको समझना कैसा है? समझना कैसा है वापस मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो, वापस मैं बता रहा हूं ध्यान से देखो। सबसे पहला काम y को अकेला रखो, y अकेला रहेगा, y के साथ कोई भी नहीं रहेगा, अकेला है, कर दो उसको अकेला। y इक्वल टू 2 माइनस एक्स हो गया, इसका साइड चेंज, साइन चेंज, जिसको हम लोग साइड चेंज करेंगे उसका साइन चेंज करेंगे, ठीक है। तो अभी यहां पे ध्यान दो, अभी y इक्वल टू 2 माइनस एक्स कैसा आया सर? तो अभिराम सर ने x को जो लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड में रखा। अभिराम सर ने क्या किया? जो x लेफ्ट हैंड साइड में था उसको राइट हैंड साइड में दिया, तो प्लस के बदले माइनस आ गया, बाकी कुछ नहीं, ओके? अब जब एक बार प्लस के बदले माइनस आ गया, तो अभी यहां पे ध्यान देखना, अब आपका मर्जी, कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए, टू ड्रॉ एनी लाइन वी रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट, ये सबको मालूम रहेगा। yes. कोई भी लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को कितना पॉइंट चाहिए? 2 पॉइंट। बट ये ऐसा क्वेश्चन है ना कि अपना गलती अपने को खुद बताता है कि आपका कैलकुलेशन सही है या आपका कैलकुलेशन गलत है, ये क्वेश्चन आपको खुद बताता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन बताना चाहिए कि आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है, इसके लिए 3 पॉइंट लेंगे। कितना पॉइंट लेंगे? 3 पॉइंट, क्योंकि तीनों पॉइंट कोलिनियर रहेगा तो कैलकुलेशन करेक्ट है। 3 में से एक भी पॉइंट इधर से उधर आ गए मतलब अपना कैलकुलेशन कहीं ना कहीं पे गलत है, इसके लिए वो बताता है कि भाई वापस देख, ठीक है। 2 पॉइंट नहीं, हम लोग कितना पॉइंट लेंगे? 3 पॉइंट, इसके लिए कि ये चेक करने के लिए कि हमारा कैलकुलेशन सही है या गलत है। तो सबसे पहला, अभी सर कौन सा नंबर लेने का? आपका मर्जी, नोटबुक आपका, ग्राफ पेपर आपका, पेंसिल स्केल आपका, तो नंबर का सिलेक्शन भी आपका। लेकिन अभिराम सर मैं 500, 600, 700, 1000, 1200 ले सकता हूँ, सब ले सकते हो, लेकिन क्या है कि उसके लिए अपने को ग्राफ पेपर थोड़ा कम पड़ेंगे, यूनिट ज़्यादा लेना, मतलब छोटा नंबर लेना, जितना छोटा नंबर लोगे ग्राफ आपको उतना अच्छा आएगा। कितना नंबर लेना है? पहले x का वैल्यू लिखेंगे, y का वैल्यू लिखेंगे, x कॉमा y का वैल्यू लिखेंगे, करेक्ट। एक वैल्यू, दो वैल्यू, तीन वैल्यू, कितने वैल्यू लेना है हम लोगों को? 3 वैल्यू, करेक्ट। अब यहाँ पे आप बताओ कि आपको x कितना चाहिए, पुट x इक्वल टू कितना, 1 पुट कर दो, चलेगा? yes. अंकुश चलेगा? yes. अभी x इक्वल टू यदि मैंने 1 पुट कर दिया तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1, करेक्ट। तो y इक्वल टू कितना? 1 आ गया। yes. x कोऑर्डिनेट 1, y कोऑर्डिनेट 1, तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया? x 1, 1। अभी सपोज कितना पुट करना है? x इक्वल टू 2 पुट कर दूं तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 माइनस 2, y इक्वल टू कितना? 0, करेक्ट। y इक्वल टू कितना? 0, तो 2 0 पॉइंट क्या हो जाएगा? 2, 0। कंसेप्ट क्लियर? कंसेप्ट क्लियर। मैंने कितना बोला था? 3 वैल्यू, कितना वैल्यू था? 3 वैल्यू। तीसरा वैल्यू क्या लेना है? तीसरा वैल्यू क्या लेना है बोलो? तीसरा वैल्यू 0 लेना है। लिखो, पुट x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 2 माइनस 0, तो y इक्वल टू कितना? 2। तो ये 0, ये 2,
ये 2, 0, 2 आ गया, ये ग्राफ बन गए। ये सिंपल सा ग्राफ बना के लेने का। एक बार ग्राफ बन गया तो वापस हम लोगों को क्या बनना है, एक बार टेबल बन गया तो हम लोगों को क्या करना है, ग्राफ बनाना। अभी ग्राफ बनाएंगे सेम, क्या था हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्या था पहला, सबसे पहला स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, करेक्ट। अभी यहाँ पे ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्केल लिख दिया, अभी नंबर्स छोटे हैं चलेगा, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3 करेक्ट, अगेन -1, -2, -3 नंबर्स छोटे हैं, छोटा ग्राफ, सिंपल सा छोटा सा ग्राफ बनाने का। ये आपका खुद का मर्जी, कोई भी पॉइंट आप लोग ले सकते हो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो, ठीक है। अभी सबसे पहला चीज सेम, अभी हम लोग ग्राफ बनाने के लिए आएंगे तो 1, 1 कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा रेड कलर से कर देता हूँ, समझेगा। ये वन हो गया 1, 1। नेक्स्ट क्या दिया आपका, 2, 0 नेक्स्ट क्या दिया आपका, 0, 2 जब आप ग्राफ बनाएंगे तो ये सब के सब पॉइंट एक सिंगल लाइन पर आएगा और ये आपका ग्राफ बनेगा, करेक्ट। वापस मैं बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पे स्केल से नहीं बना रहा हूँ, इसके लिए लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है बट ये 100% तीनों पॉइंट कोलिनियर रहेगा। तीनों पॉइंट क्या रहेगा, कोलिनियर, मतलब एक ही लाइन पे आएगा, क्या होगा, एक ही लाइन पे आएगा, गेटिंग। अब जब हम लोग ने लाइन बना दिया तो लाइन का नाम क्या लिखेंगे हम लोग, x plus y equal to 2 समझा। वापस ज्यादा टेंशन, सिंपल वापस बता रहा हूं। पहला काम क्या करेंगे, x plus y equal to 2 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, y equal to 2 minus x हो गया, y equal to 2 minus x हो गया। तो आप अपने हिसाब से तीन पॉइंट ले लेना, तीन वैल्यू ले लेना x का, छोटा नंबर रखना, बड़ा लिया तो भी चलेगा, कुछ इश्यू नहीं, ग्राफ थोड़ा बड़ा बनेगा, नहीं तो नंबर्स छोटे रहेंगे तो नंबर ग्राफ सिंपल बनेगा, करेक्ट। अब ध्यान से देखो, जब हमने नंबर्स लिया, अभी जीरो लिया तो अपने को 0, 2 - 0, 2 तो 0, 2 हो गया, 1 लिया तो 1, 1 2 - 1, 1 तो 1, 1 2 लिया तो 2, 0। अब यही सेम ये टेबल प्रिपेयर करने के बाद, ये टेबल प्रिपेयर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। बन गया ग्राफ, सेम एग्जैक्टली सेम मेथड, अगला क्वेश्चन है उसका सेम मेथड, अगला क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं। तो तीन क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन हम लोग करते हैं, समझते हैं। वापस बोलो, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ग्राफ हमेशा ग्राफ पेपर पे प्रैक्टिस करना विद द हेल्प ऑफ पेंसिल एंड स्केल। हाथ फ्री हैंड मेरे जैसा यूज करोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, आपको स्केल ही यूज करना है, करेक्ट। और वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे स्केल लिखना बहुत जरूरी है, जैसे आप ग्राफ बनाओ इमिडिएटली स्केल लिख दो। ये समझ में आ गया, कुछ भी डिफिकल्टी, कुछ भी क्वेरी, यस रयान, अंकुश, पांडे जी, कुछ प्रॉब्लम, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया आपको इसमें, 3x - y = 0 ओके, 3x - y = 0। अभी मैंने आपको क्या बोला था अभी, कि y को अकेला रखना है, y हमेशा बोलते हैं मुझे अकेले रहने की आदत है, मैं किसी के साथ में रहने वाला नहीं हूँ, तो ठीक है y को भी खुश कर दो, y - y = ये साइड चेंज हो गया तो ये क्या हो जाएगा, -3x, करेक्ट। अभी क्या होगा, दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका, 3x, y इक्वल टू 3x मिल गया। अब सेम विद द हेल्प ऑफ दिस व्हाट वी हैव टू फाइंड, विद द हेल्प ऑफ दिस यू हैव टू फाइंड टेबल। अभी हम लोगों को क्या निकालना है, टेबल। वापस मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, पहला चीज जब आप
कैलकुलेशन करोगे, हमको मालूम है कि लाइन ड्रॉ करने के लिए भी रिक्वायर मिनिमम 2 पॉइंट। हम लोग यहाँ पे कितने पॉइंट लेंगे? 3 पॉइंट। उसके पीछे रीजन क्यों बताया, क्या बताया मैंने आपको कि जब आप 3 पॉइंट लोगे तो लाइन आपको खुद बताएगा कि कैलकुलेशन करेक्ट है या नहीं। यदि तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, इसका मतलब क्या है, लाइन अपना कैलकुलेशन करेक्ट है। ये तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है, एक लाइन पे नहीं आ रहा है, तो कैलकुलेशन गलत है। तो वापस एक बार चेक कर लो। इसके लिए हमेशा कितना पॉइंट लेने का? 3 पॉइंट। रिक्वायरमेंट कितना का? 2 पॉइंट का। कोई भी लाइन ड्रॉ करना, हम लोगों को 2 पॉइंट ही चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पर कितना लेंगे? 3 पॉइंट, करेक्ट। वापस सेम मेथड, क्या पहले टेबल बना लेते हम लोग, कितने वैल्यू? 3 वैल्यू। ओके, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स, कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई, कितने वैल्यू लेना है? 1, 2 एंड 3। अब ये वापस मैं बोलो कि नंबर्स छोटे लेना, नंबर्स क्या लेना है? छोटे छोटे नंबर हो, जिससे कि आपका कैलकुलेशन इजी हो और टेबल थोड़ा सिंपल बने। अब यहाँ पे पुट एक्स इक्वल टू कितना पुट करना है? 1 पुट करना है, तो कितना हो जाएगा आपका? एक्स इक्वल टू यदि 1 पुट किया तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 इंटू 1, करेक्ट, वाई इक्वल टू 3। कुछ डिफिकल्टी? आपको 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 1000, 10000, 20000, आपका डिपेंड, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कंपल्सरी नहीं कि सर 1 ही पुट करना है क्या, नहीं, इट डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा वैल्यू लेना है, बट इसके ऊपर आपको डिपेंड करना पड़ेगा। ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? कि आपका ग्राफ कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, सिंपल बनाना है या हार्ड बनाना है, करेक्ट। तो सबसे पहला चीज, अभी एक्स इक्वल टू कितना ले लिया? 1, तो y कितना मिला? 3, 1, 3 हो गया। अभी नेक्स्ट मैं क्या वैल्यू पुट करना है? मैं आपको क्या बोला था, आपका मर्जी, आपको जो वैल्यू लेना बिंदास लो, कंपलसरी नहीं है कि 1 ही लेना। आप बोलोगे नहीं सर मुझे -1 पुट करना, तो चलेगा, पुट x इक्वल टू -1, क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 3 इंटू -1, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? -3, करेक्ट, -1, -3, -1, -3 हो गया। आप जो बोलोगे वो वैल्यू ले सकते हैं। आप बोलोगे सर 10 लेना है 10 ले सकते हो, 20 लेना है, आपका मर्जी, समझा। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि छोटा नंबर इसके लिए, क्योंकि ग्राफ बनाने में थोड़ा आसान रहेगा, सिंपल छोटा सा ग्राफ बने। नेक्स्ट क्या पुट करना है? x इक्वल टू 2 पुट कर दे, x इक्वल टू 2 पुट कर ले, y इक्वल टू कितना आएगा? 3 इंटू 2, y इक्वल टू 6। अभी मैंने क्या किया, इसको ऐसा लिखा, आप उसको, मैंने हॉरिजॉन्टली लिखा है, आप इसको वर्टिकली भी लिख सकते हो, और वर्टिकली ही लिखो, बेस्ट है वो आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2, ये होगा 6, 2, 6, टेबल बन गया, सिंपल है। अब जब टेबल बन गया तो वापस मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहला काम क्या, 3x - y = 0, 3x को इस साइड ले लो, साइड चेंज होगा तो साइन चेंज होगा, प्लस के बदले माइनस आ गया, दोनों साइड माइनस कैंसिल हुआ, y = 3x। अभी हमने अलग अलग वैल्यू पुट किया। अब जब अलग अलग वैल्यू आप पुट करोगे तो आपको एक टेबल मिल जाता है, x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू, x का वैल्यू, y का वैल्यू, टेबल मिल गया, ठीक है। अब टेबल मिल गया तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ग्राफ बनाएंगे। टेबल मिल गया तो सबसे पहले क्या करेंगे अंकुश? ग्राफ बनाएंगे। ओके, तो अभी हम लोग ग्राफ बनाएंगे। अगेन ग्राफ क्या रहेगा? ग्राफ जैसे ही बनाए तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहला क्या लिख दो? स्केल। स्केल क्या? 1 cm = 1 unit। अगेन वापस मैं बोलो, यूनिट आपके कैलकुलेशन, आपके ग्राफ के ऊपर डिपेंड करेगा। आप 1 cm = 2 unit भी लिख सकते हो, या 2 cm = 1 unit भी लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, ऑन बोथ द एक्सेस। अभी जैसे ही ग्राफ बन गया, ध्यान से देखना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेम 1, 2, 3, 4, 5, 6, वापस मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोर्ड पे विदाउट पेंसिल एंड स्केल बना रहा हूँ। इसके लिए क्या होगा, थोड़ा सा लाइन मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है, बट आपका जब आप ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो लाइन 100% स्ट्रेट आना चाहिए, तीनों के तीनों पॉइंट कोलिनियर होना चाहिए, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना चाहिए। यदि एक लाइन में नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन गलत है। ओके,
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर माइनस फाइव अगेन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर आप बना लिए आपका है ओरिजिन करेक्ट। अभी सबसे पहला क्या दें वन कॉमा थ्री टेबल में देखो कितना दिया है वन कॉमा थ्री। वन किसका एक्स एक्सिस का, थ्री किसका वाई एक्सिस का, हो गया ये पॉइंट आपका, हो गया ये पॉइंट वन कॉमा थ्री। नेक्स्ट क्या दिया है माइनस वन कॉमा माइनस थ्री, माइनस वन कहाँ पे, माइनस वन कहाँ पे यहाँ पे, माइनस थ्री कहाँ पे यहाँ पे, हो गया सेकेंड पॉइंट माइनस वन कॉमा माइनस थ्री। सिंपल माइनस वन कॉमा माइनस थ्री सिंपल है यह संकोश कुछ डिफिकल्टी माइनस वन कॉमा माइनस थ्री। माइनस वन किसका एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस वन किसका एक्स कोऑर्डिनेट, माइनस थ्री किसका वाई कोऑर्डिनेट, दिख रहा है ये पॉइंट को मिला दो। नेक्स्ट क्या दिया आपका टू कॉमा सिक्स, टू कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, टू दिख रहा है यहाँ पे, सिक्स कहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है, हो गया टू कॉमा सिक्स। अब ये तीन पॉइंट मिल गए, अब जब ये तीन पॉइंट मिल गए तो ये तीन पॉइंट 100% किस में आएंगे, एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, किस में आएंगे स्ट्रेट लाइन में। अब ये मेरा इंटरनेशनल डायग्राम है इसके लिए मैं बोल रहा था आपको आ गया स्ट्रेट लाइन, ये ऐसा थोड़ा भी टेढ़ा नहीं जाना चाहिए, 100% इसी पॉइंट को कनेक्ट करके जाना चाहिए, समझा। तो फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट थर्ड पॉइंट जब आप ये कैलकुलेशन करोगे, जब ग्राफ बनाओगे, मैं पिछले क्वेश्चन में भी बोला था वापस बोल रहा हूँ, इक्वेशन का नाम क्या लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया, क्वेश्चन में क्या दिया है इक्वेशन का नाम क्या दिया है, थ्री एक्स माइनस वाई, थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन का नाम क्या दिया है थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। इतना करोगे सिंपल सा मेथड पूरा मार्क्स मिलेंगे, पूरा मार्क्स मिलेंगे। हार्ड है no. वापस बोल रहा हूं कि इसको समझो क्योंकि टेंथ में लीनियर इक्वेशन में सेम कैलकुलेशन करना, कुछ भी अलग नहीं करना, सेम कैलकुलेशन करना। बट अभी यदि कंसेप्ट क्लियर हो गया तो टेंथ में आसान लगेगा। वापस बोल रहा हूँ ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है जो हम लोग इंटायरली हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन मैंने यूट्यूब पे डाला। तो वापस बोल रहा हूँ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर डालो और ये पूरा वीडियो देखो, वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 जो भी कनेक्ट में पूरा अच्छे से प्रॉपरली देखो, चैप्टर 100% आपको समझेगा। और कुछ भी डिफिकल्टी है बिंदास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन किया हुआ है, आप वहाँ पे कॉल करके डिफिकल्टी पूछ सकते हो। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आदित्य, लास्ट क्वेश्चन करें, ओके। सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर दिस एक्सरसाइज, सिंपल सा क्वेश्चन है ध्यान से देखना। तो वापस बोल रहा हूं जब हम ग्राफ पेपर पे करेंगे तो आपका एक्यूरेसी परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आएगा। ये व्हाइट बोर्ड है इसके लिए थोड़ा सा लाइन आपको इंटरनेशनल डायग्राम दिखता रहेगा, बट ठीक है समझ के लेना आपका काम है। तो लास्ट क्वेश्चन इज 2x plus y इक्वल टू 1, गेट इट। तो सबसे पहले क्या करेंगे y को अकेला इसको इस साइड में, तो ये क्या हो जाएगा 1 minus 2x हो गया। वापस वही राम कहानी, क्या था तीन वैल्यू लेना है x का, करेक्ट x y ये आपका कोऑर्डिनेट। अभी आपको कितना वैल्यू लेना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या पुट करना है वापस में बोला तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलोगे सर मुझे x इक्वल टू जीरो लेना है, बिंदास आपका नोटबुक है, आपका ग्राफ है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो थोड़ा कभी कभी तो अपना भी मर्जी होना चाहिए क्योंकि मैथ्स में अपना मर्जी चलाने के लिए बहुत कम ऑप्शन मिलते हैं, जो दिया है वही करना। बट यहाँ पर अपने को थोड़ा है कि हम अपने मर्जी से नंबर ले सकते हैं तो उस फायदे का इस्तेमाल कर सकते हो आप, ओके। तो x इक्वल टू हम लोग ने क्या ले लिया जीरो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 minus 2 into 0, दैट इज y इक्वल टू कितना, y इक्वल टू कितना 1, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 1,
0.1 सिंपल। अभी मैं बोलूंगा आप बोलोगे सर पुट x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, पुट x इक्वल टू 1 ले लो, आपका मर्जी 2 लेना 3 लेना जो भी लेना, कैलकुलेशन करेक्ट होना चाहिए। नंबर्स कोई भी लो चलेगा, कैलकुलेशन आप परफेक्टली करो, उसमें मिस्टेक मत करो। अभी ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू 1 माइनस 2 x की जगह पे 1, तो y इक्वल टू कितना जाएगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 ग्रेटर नंबर माइनस में है, इसके लिए साइन कौन सा आएगा माइनस का, करेक्ट। अभी ये भी एक मैं वीडियो लूंगा जहाँ पे आपको बताऊंगा कि साइन कब कहाँ पे कैसा देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ना मैक्सिमम मिस्टेक ना वहीं पे होता है, प्लस के जगह पे माइनस, माइनस के जगह पे प्लस साइन आ जाता है और बोलते हैं सर मैंने तो पूरा परफेक्ट लिख के आया था लेकिन मार्क्स ही नहीं मिला, बाद में मालूम पड़ता है प्लस के जगह पे माइनस, माइनस के जगह पे प्लस लिख के आ गए। ओके तो y इक्वल टू कितना माइनस 1, तो ये 1 माइनस 1 1 कॉमा माइनस 1 हो गया। अभी नेक्स्ट ध्यान देना, अभी एक और वैल्यू हम लोगों को लेना, क्योंकि मैंने आपको कितना वेरिएबल बोला था 3, तो पुट x इक्वल टू कितना फॉर एग्जाम्पल 2 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 2, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस 4, y इक्वल टू माइनस 3, तो 2 माइनस 3 2 कॉमा माइनस 3 हो गया। वापस बोलो ये लास्ट क्वेश्चन है, बट लास्ट क्वेश्चन करने से पहले वापस मैं बोल रहा हूँ कि आप पूरा का पूरा चैप्टर का वीडियो देखो, कुछ भी डिफिकल्टी है पूछो। ओके अभी वापस ग्राफ, सेम मेथड सेम पैटर्न पर हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ओके अभी समझो, पहला काम क्या है, जैसे ही लाइन ड्रॉ किया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हम लोग सबसे पहला काम क्या कर लेंगे, स्केल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्केल लिखेंगे, क्या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस। अब यहां पे सेम पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 1 2 3 4 5 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4। ओके और आपका ये ओरिजिन 0। अभी सबसे पहले 0.1 जीरो कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स को, और 1 किसको, वाई को। तो आपको मैंने बोला था ये हमेशा कहाँ पे रहेगा, हमेशा कहाँ पे रहेगा, एक्सिस पे रहेगा। कौन सा एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे। तो ये कितना हो गया आपका, ये 0.01 हो गया। नेक्स्ट क्या दें, 1.-1 1 कहाँ पे, पॉजिटिव पे, माइनस 1 कहाँ पे, निगेटिव पे, आ गया ये 0.1-1 करेक्ट। नेक्स्ट क्या दिया है, 2.-3, ये 2 और ये माइनस 3 आ गया 2.-3। पॉइंट आइडेंटिफाई करना है, कुछ घाय मत करो, आराम से करो। एक्स एक्सिस का वैल्यू देखो, वाई एक्सिस का वैल्यू देखो, जहाँ पे पॉइंट मिल जाए वहाँ पर उसको कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब जब आप करेंगे तो वापस ये सब के सब पॉइंट एक ही लाइन में आएगा, एक ही लाइन में आएगा और ये एक ही लाइन में आएगा। वापस मैं बोल रहा हूँ नाम क्या लिखेंगे इसका, 2x + y = 1। इक्वेशन का नाम चेंज नहीं करना, सिंपल है, सिंपल है। आई होप आप सब ने ये पूरा वीडियो देखा रहेगा, पूरा समझा रहेगा। कुछ भी डिफिकल्टी है, कुछ भी चैलेंज है, कुछ भी नहीं समझ में आया, कमेंट करो, कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ाई पे ध्यान दो, थैंक यू, बाय बाय, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय।